हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त में आपको क्रिकेट से लेटेस्ट बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें, यह खबर निकल के आ रही है वुमेन बिग बैश लीग के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि सोफी डिवानी ने 100 छक्कों का रिकॉर्ड पूरा कर लिया, यानी वो अब वुमेन बिग बैश लीग की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। ये सोफी डिवानी ने कारनामा हासिल किया है, जो न्यूजीलैंड क्रिकेटर है, बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है और उनने 100 छक्कों का कारनामा हासिल कर दिया वुमेन बिग बैश लीग में। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, यह खबर निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी अगले साल कप्तानी करते हुए नहीं दिख सकते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी अगले साल जो चेन्नई सुपर किंग की टीम है उस टीम में कप्तानी करते हुए नहीं दिख सकते हैं। उनकी जगह पर फाफ डुप्लेसी को रिप्लेस किया जा सकता है और कप्तानी उसको दी जा सकती है। अभी तय नहीं है, लेकिन डुप्लेसी को कप्तान बनाया जा सकता है और या महेंद्र सिंह धोनी खुद ही कप्तान रह सकते हैं। अगर तीसरी बड़ी खबर करो करें, यह खबर निकल के आ रही है जस्टिन लंगर के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि जस्टिन लंगर ने कहा है कि उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी 17 दिसंबर से, उस सीरीज़ में जो बर्न के साथ डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर कि 17 दिसंबर से होने वाली टेस्ट सीरीज़ के लिए जो बर्न और वार्नर ओपनिंग करेंगे, ये जस्टिन लंगर ने कन्फर्म किया है। और चौथी बड़ी खबर ग्रुप करें, यह खबर निकल के आ रही है ट्रेंट बोल्ट के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि वो जो पहला T20 मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला जाएगा उसमें वो अवेलेबल नहीं रह सकते, वो उस मैच में बाहर हो सकते हैं। अभी तय नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो पहले T20 मैच से बाहर हो सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।